नेक्स्ट क्लास इज क्लास एविस. क्लास एविस इज द नेक्स्ट क्लास इन सुपर क्लास टेट्रापोडा. और जब हम एविस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम सभी बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे. जब हम बात करते हैं बर्ड्स के बारे में तो बर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. मीन्स बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो फ्लाइट लेस हैं. जनरल फीचर में बात करते हैं तो कहते हैं कि हर बर्ड पर फेदर्स होते हैं और फेदर्स उन्हें फ्लाइंग में हेल्प करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जिनके पास फेदर्स प्रेजेंट हैं बट दे कांट फ्लाई. सो दे आर नोन एज द फ्लाइट लेस बर्ड. एंड दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है जिसके पास फेदर्स हैं लेकिन वो फ्लाइंग नहीं कर सकता. उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर में बात करते हैं बीक की. बीक इट मीन्स जो बीक है वो हर बर्ड में प्रेजेंट होती है बट टीथ एब्सेंट. टीथ बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होते. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाती है दैट इज द फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स. इट मीन्स जो बर्ड्स के फोर लिम्ब्स होते हैं मीन्स जो आगे वाले पैर हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स और उनसे वो फ्लाइंग में हेल्प लेता है. लेकिन जो उसके हाइंड लिम्ब्स हैव स्केल्स. उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग. जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं उन्हें चलने में हेल्प करेगा. स्विमिंग जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उन्हें स्विमिंग में हेल्प करता है. एंड ग्रास्पिंग भी कह सकते हैं एंड क्लास्पिंग. इट मीन्स जो बर्ड्स पेड़ों के तनों पर रहते हैं स्टेम्स पर रहते हैं उन्हें क्लास्प करने में उन्हें पकड़ने में हेल्प करता है. क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस. नेक्स्ट आता है स्किन. स्किन इज ड्राई विदाउट ऑयल ग्लैंड. स्किन कंप्लीटली ड्राई होती है. कोई भी ऑयल ग्लैंड जो उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ऐसा कोई ग्लैंड स्किन पर प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन जो बेस ऑफ द टेल होता है बेस ऑफ टेल पर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन. यहां पर कंप्लीटली ऑसिफाइड है मीन्स फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन. और जब हम बात करते हैं फुल्ली ऑसिफाइड का इट मीन्स जो एंडोस्केलेटन है दैट इज बोनी इन नेचर. बोन्स का बना हुआ है. इसमें जितनी भी लॉन्ग बोन्स सभी होलो होती हैं एंड हैविंग एयर कैविटीज इन देम. और जब भी किसी होलो बोन में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है और ऐसी बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं. दे आर नेम्ड एज न्यूमैटिक बोन्स. नेक्स्ट फीचर आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज क्रोप एंड गिजार्ड. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रोप और गिजार्ड का नाम देते हैं. हर्ट यहां पर फोर चैम्बर्ड है. इट मीन्स जो एडवांसमेंट हमने क्रोकोडाइल में देखा था कि क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हर्ट है जिसमें टू ऑरिकल्स
एंड टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक फोर चैम्बर्ड हर्ट की फॉर्मेशन होती है और यही फोर चैम्बर्ड हर्ट डबल सर्कुलेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन डबल सर्कुलेशन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन द ग्रुप एवेस इज द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. वार्म ब्लडेड इज ऑल्सो नोन एज होमियोथर्मस. दिस होमियोथर्मस मीन्स दे कैन मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इट मीन्स एविस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक फिक्स रेंज में मेंटेन करके रख सकते हैं. तो यहां पर सीजन के अकॉर्डिंग इनके बॉडी के टेम्परेचर रेंज में कोई भी चेंज नहीं आता. उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग है रेस्पिरेशन. यहां पर लंग्स की हेल्प से होता है. इट मीन्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज देयर. और एयर सैक्स, जो लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट है, या हम कहें कि जो एयर कैविटीज हैं वो एयर सैक्स से कनेक्टेड होती हैं, एंड दीज एयर सैक्स आल्सो कनेक्टेड टू लंग्स. और क्यों ये कनेक्टेड होते हैं? ताकि ये सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके, ताकि रेस्पिरेशन जो है वो इजीली हो सके. नेक्स्ट आता है सेक्सेस सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर दे एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. मीन्स लार्वल स्टेज इज नॉट प्रेजेंट. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रुप एविस? वी कैन राइट द क्रो, पिजन, पैरट, देन पिकोक. सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर बिलोंगिंग टू द ग्रुप एविस. नाउ व्हाट आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म? क्रो इज कोरवस. दिस इज द जूलॉजिकल नेम. पिजन इज कोलंबा. पैरट इज सिटाक्यूला. एंड द पिकोक इज नोन एज पैवो. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द ग्रुप एविस. नेक्स्ट